हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यूनो द वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ बेसिक्स मेजरमेंट्स के बारे में। काफ़ी पूछते हैं कि ये बीघा एकड़ क्या होता है। तो जो जो बीघा होता है, जो असम है या फिर कोई अलग अलग क्षेत्र है आपके, ठीक है, तो स्टेट है, तो वहाँ पे अलग अलग मेजरमेंट्स होती हैं। जो मेजरमेंट्स मुझे जानकारी है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर इनमें कोई भी मिस्टेक्स है या कुछ भी डिफरेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं वो आपको शो कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जो मुझे नॉलेज है, जिसकी बारे में जानकारी है, तो बस मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर इसमें कुछ भी प्लीज मिस्टेक्स है, कोई भी इधर से मिस्टेक्स है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसमें क्या मिस्टेक्स है, एंड हमारे फ्रेंड जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं असम। असम जो होता है, एक आपका स्टेट है, तो उसमें वहाँ पे क्या करना है। तो एक बीघा, जो एक बीघा होता है कितने बराबर होता है, 1440 स्क्वायर फीट, ठीक है, 14400 स्क्वायर फीट के बराबर होता है का एक बीघा। तो एक बीघा में कितना होंगे, 1340 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इसके बराबर होगा, एक बीघा 1340 मीटर स्क्वायर के बराबर रहता है। उसके बाद देख लेते हैं बिहार। एक बिहार, जो बिहार होता है, तो बिहार में स्टेट में कहाँ पे होंगे, तो एक बीघा कितने बराबर होता है, 20 कट्ठा के बराबर होता है, और एक कट्ठा 1361 स्क्वायर फीट के बराबर होगा। तो कैसे 1361 स्क्वायर फीट के इसमें कैसे निकाल सकते हैं, जैसे इस कट्ठा निकालना है तो इसमें स्क्वायर फीट निकालना है, स्क्वायर मीटर निकालना है, स्क्वायर गज निकालना है, तो वो कैसे निकालें, इसके फीट से मीटर गज, वो मैं वीडियो बना चुका, उसमें आप देख लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा। स्क्वायर फीट से मीटर गज, ठीक है, इन तीनों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं एक बीघा, जो एक बीघा होता है वो कितने स्क्वायर फीट के बराबर होता है। यहाँ पे हमने निकाला था एक बीघा में 20 कट्ठा, तो 20 कट्ठे में कितने, एक कट्ठे में कितना होते हैं इतने स्क्वायर फीट, तो इतने स्क्वायर फीट, तो इन दोनों गुना कर लेते हैं, तो 27,220 स्क्वायर फीट आपके पास होंगे एक बीघा के अंदर, क्लियर, बिहार के अंदर। तो कितना डिफरेंस है, देखो 27,220, यहाँ पे 14,440 है बस 400। उसके बाद देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक एकड़ होता है, एक एकड़ कितने, 4 बीघा के बराबर होता है, और एक बीघा 4 कैनाल्स के बराबर होता है, और एक कैनाल होता है आपके पास 20 मरला के बराबर, ठीक है, और एक मरला होगा आपके पास 9 स्क्वायर कराम के बराबर। तो यहाँ पे आप कुछ भी फीट, बीघा फीट सब कुछ निकाल सकते हैं। आप इसमें देखिए, एक स्क्वायर कराम में होता है 30.25 स्क्वायर फीट, तो 30.25, तो 5.5 × 5.5 दोनों गुना किया है, तो 30.25 स्क्वायर फीट हो गया। तो एक कराम बराबर होगा 5.5 स्क्वायर फीट के, सॉरी रनिंग फीट के बराबर, 5.5 फीट के बराबर एक कराम होता है। अब हमें निकालना है एक बीघा में यहाँ पे निकालना है फीट, तो यहाँ पे जैसे ही निकाल दे रहे चले जाते हैं, एक बीघा में 4 कैनाल होते हैं और एक कैनाल में 20 मरला, चलो यहाँ 20 से गुना कर देते हैं, और एक मरला यहाँ पे मरला में है 9 स्क्वायर कराम, तो यहाँ पे 9 गुना कर देते हैं, और एक स्क्वायर कराम में होते हैं 30.25, तो 30.25 जब हम इसको गुना कर लेंगे, तो टोटल एक बीघा में कितने फीट आ जाएंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक बीघा में 4 कैनाल, तो 4 गुना, अरे एक कैनाल में 20 मरला, तो 20 हो गया, और एक मरला में 9 स्क्वायर कराम, 9 हो गया, और एक स्क्वायर कराम में 30.25, 9 हो गया, तो 30.25 = 21,780 स्क्वायर फीट। तो इस तरह से आप गुना कर लेते, जैसे आपको एक बीघा में कैनाल निकालना, तो सिंपल इसको गुना कर देंगे, अरे आपको मरला निकाला, इसको भी गुना कर लेंगे, आपको कर्म निकल जाता है, ठीक है। तो वो आपको पता है कि किस आपको गुना भाग करना है, तो ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कितने किसके बराबर होता है। एमपी में देख ले, मध्य प्रदेश के अंदर एक कट्ठा कितना होता है, 600 स्क्वायर फीट, और एक कट्ठा 56 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं राजस्थान। जो राजस्थान होता है वहाँ पे क्या होता है, एक बीघा कितने के बराबर होता है, 1618.7 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, और एक बीघा में कितने स्क्वायर फीट होंगे, 17,424 स्क्वायर फीट एक बीघा के अंदर, राजस्थान के जो अंदर होता है। उसके बाद देखते हैं यूपी या डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, एक बीघा 5 बिस्वा के बराबर होता है, और एक बिस्वा 125 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, या फिर 1350 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो फिर एक बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है, ये भी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर होता है, एक बिस्वा 125 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट देखो कहाँ पे डिफरेंट हुआ हमारे पास, बीघा के अंदर, तो एक बीघा कहीं पे डिफरेंट होता है, एक बीघा कहीं पे 5 बीसों होता है, कहीं पे एक बीघा 5 20 बीसों के बराबर होता है, ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे बीसवा क्या एक्चुअल क्या है, देखो एक बीसवा हमारे पास 125 मीटर स्क्वायर बराबर है, तो यहाँ पे एक बीसवा 125 के लिए ठीक है, तो 125, तो एक बीसवा कितने बराबर होगा, 150 गज के, 150 गज स्क्वायर के बराबर,
इतने स्क्वेयर गज होता है एक विश्व में, 150 स्क्वेयर गज। उसके बाद देख लेते हैं एक बीघा, तो एक बीघा में 0.25 हेक्टेयर होता है, तो इतना एक बीघा कितने बराबर होगा, 25 स्क्वेयर मीटर के बराबर होता है, तो 30.86.4 स्क्वेयर गज। इसके एक बीघा कितने बराबर होगा, 26,900 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर मीटर गज को भी कन्वर्ट करना सीख लिया है, जैसे कि 2500 है, यहाँ पे 30.86.4 गज है, गज को हमें बनाना है फीट में, तो सिंपल क्या कर देते हैं, 9 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके आपका स्क्वायर फीट, ठीक है, स्क्वायर फीट में आ जाता है। अगर हमें स्क्वायर मीटर के अंदर निकाला, स्क्वायर फीट के अंदर है, तो सिंपल जितने भी आपने निकाला है इसको 10.76 से भाग कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर मीटर के अंदर। बिकॉज हमारे पास, हमने पता है कि एक मीटर स्क्वायर में होते हैं 10.76 स्क्वायर फीट, तो फीट में निकाल ले, तो सिंपल इसको अगर इसमें से जा रहे हैं तो गुणा करना है इससे, इसमें से इसमें जा रहे हैं तो भाग कर देना है इससे। उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड, यूके। तो उत्तराखंड में क्या निकालें, एक बीघा में होता है 20 बिस्वा, एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, और 12 नली में कितना होंगे, 20 बिस्वा, ठीक है, और एक बीघा में 968 स्क्वायर गज। 968 को जब 9 से गुणा कर लेते हैं तो 8712 स्क्वायर फीट होते हैं। ये हमारे पास गज है, गज को बनाने हैं स्क्वायर फीट के अंदर, तो सिंपल क्या करते हैं, 9 से गुणा कर लेते हैं, तो बिकॉज एक स्क्वायर गज में होता है 9 स्क्वायर फीट, तो इसको गुणा कर इतना आ जाता है। जब हम इसको निकाल लेते हैं, इसको दोनों गुणा कर लेते हैं, इतना स्क्वायर फीट, ठीक है, तो इस तरह से निकल आता है 8712 स्क्वायर फीट। यहाँ पे हमारे पास 968 है, तो 968 गुना 9 इक्वल टू 8712 स्क्वायर फीट बराबर होता है, क्लियर। हमारे पास स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट से हमें निकालना है स्क्वायर मीटर के अंदर, तो कितना आएगा, 8712 भाग करना है 10.76 से, तो आपके पास स्क्वायर मीटर निकल जाएगा। फीट है, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सिंपल आपके पास निकल जाता है, इसको सिंपल भाग करना है 10.76 से इक्वल टू 809.66, तो यहाँ पे कितना हुआ, 810 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दिए, फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है, और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने मेरे हमारे साथ, मिलते रहेंगे सेहत टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।